everyone welcome to our YouTube channel Audioverse. reincarnation of business women at school Chapter 451 460 उन्होंने क्या किया है तो वे लोग बहुत है स्लॉट मशीन पर सिर्फ एक राउंड खेल कर एक सौ मिलियन युवा जिये वह बहुत भाग्यशाली है लेंग शोटिंग ने अपने होटो पर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ काव्या को देखा काव्या, तुम बहुत कमाल की हो जू जिंच ने कहा आपने ऐसा कैसे किया चेन वेंग ने पूछा मुझे लगता है कि मैं सिर्फ भाग्यशाली थी काव्या ने कहा क्योंकि वह उन्हें नहीं बता सकती थी कि उसके पास जेड़ आइज है वे वास्तव में मानते थे कि वह भाग्यशाली थी क्योंकि स्लॉट मशीन चलाने वाले लोग पैसे जीतने के लिए भाग्य पर भरोसा करते थे लेकिन उसकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी निंगिंग भी उदार है वे वेनक्सिन और मुझे प्रत्येक को तीस मिलियन युवा देती है जू किन्न ने कहा लेंग शाउटिंग के अलावा काव्या की इस दरियादिली से बाकी सभी हैरान रह गए ठीक है मैंने पैसे पर ज्यादा मेहनत नहीं की इसलिए मैंने उनके साथ साझा किया काव्या ने हवा से कहा तुम तो मुझे वहां भी तो नहीं ले गए जू जिनचेन ने शिकायत की और मुझे सीमिंग गूंज उठा क्या आपके पास पैसे की कमी है लेंग शाओमिंग ने अचानक पूछा जू जिनचेन और सीमिंग एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और तुरंत जवाब दिया नहीं, नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं मजाक था बिल्कुल नहीं वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कार्य सौंपा जाएगा हालांकि उनके अपने कार्य थे वे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सूची में असाइनमेंट भी ले सकते थे और हथियारों की तरह काम कर सकते थे लेकिन उनके उद्देश्य अलग थे जब तक उन्हें भुगतान किया जाता है तब तक हथियारे कार्यभार संभालेंगे और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि जिस व्यक्ति को वे मारने जा रहे हैं वह कौन है हालांकि उन्होंने केवल अपराधियों को पकड़ा और उनका इनाम हथियारों की तुलना में कम था इसके बाद वे शराब पीकर गपशप करते रहे काउ वेनक और जू किन्न बाद में क्यू स्पोर्ट्स खेलने गए आह अचानक कमरे में एक दर्दनाक चीख ने सभी का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने ऊपर देखा और वेनक्सिन को घूरते हुए शिनबेई को अपने हाथ से अपनी कमर को ढकते हुए देखा हर कोई तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था शिनबेई की चकाचौद का सामना करते हुए काउ विनक ने अपने कंधे उचका दिए यह मेरी गलती नहीं थी तुम मेरे पीछे खड़े थे तुम शिन बी गुस्से में थी काउंव वेनकसिन ने सिर्फ उसे अपनी क्यू स्टिक से मारा लेकिन उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया और निर्दोष की भूमिका निभाई हालांकि शिन शिनबे पागल था फिर भी वह उसके साथ बहस करने को तैयार नहीं था इसलिए वह चला गया वे वहां बहुत अधिक समय तक नहीं रहे और रात के ग्यारह बजते जते अलग हो गए जब वे बाहर निकल रहे थे शिन शिनबे अचानक रुक गई और काउ वेनक जो उसके पीछे चल रहा था ने सीधे उसकी पीठ पर दस्तक दी और उसका हैंडबैग जमीन पर गिर गया काउ वेनक एक बार में पागल हो गया था आपने ऐसा क्यों किया यह मेरी गलती नहीं थी आप स्वयं मेरे पीछे पीछे चले और यह तुम ही थे जिन्होंने मेरी पीठ पर दस्तक दी आप माफी नहीं मांगते और इसके लिए मुझे दोष भी नहीं दे आप पागल हैं शिनबे ने कहा कि उसके अच्छे मूड में आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया जाहिर है शिनबे ने जानबूझकर ऐसा किया आप गांव वेनक्सिन गुस्से में था लेकिन कुछ नहीं कर सका उनके आसपास के बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया और पता नहीं क्या कहा एक ही दिन में उन दोनों के बीच इतने विवाद हुए थे अपने घर वापस जाने से पहले काव्या और लेंग शाउटिंग कांव विनक सिंह को होटल ले गए जब काव्या और लेंग शोटिंग एक साथ अकेले थे तो काव्या ने चिढ़ाते हुए कहा मैंने देखा कि जब विनक सिंह ने आपको जीजा कहा तो आप बहुत खुश थे वह आपकी बड़ी बहन है और उसकी राय मायने रखती है लेंग शोटिंग ने गंभीरता से कहा काव्या मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली वास्तव में परिवार की स्वीकृति प्राप्त करना अच्छी बात थी ओएस लेंग शाउटिंग ने उसे बताया था कि वह केवल अपने दादाजी की परवाह करता है इसलिए काव्या भी उसके प्रति मास्टर मास्टरलेंग की राय को बहुत महत्व देती थी काव्या को अभी तक जो नहीं पता था वह यह था कि मास्टर मास्टरलेंग पहले से ही उसके अस्तित्व के बारे में जानता था और बहुत संतुष्ट था बेशक मास्टर मास्टरलेंग काव्या से व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले लेंग शोटिंग और उसके बारे में प्रभावशाली कहानियों के कारण उसके बारे में बहुत सोचते थे काव्या ने कहा ओ जब मैं सिटी बी में थी तो मैं किरिन गैंग के क्लब हाउस में गई थी मैंने गलती से वहां 100 मिलियन युवा जीत लिए थे और किरेन गैंग के प्रमुख क्यूई तियानलिन ने मुझे कुछ परेशानी में डाल दिया था यह सुनकर लेंग शोटिंग चिंतित हो गए क्या कुछ बुरा हुआ बेशक उन्होंने की तियानलिन के बारे में सुना था और जानता था कि वह क्रूर चालाक और ठंडे खून वाला था नहीं उसने मेरे साथ जुए का एक चक्कर लगाने को कहा मैं अंत में जीत गया और वह तीन अरब युवान हार गया मैंने वेनक्सिन और जियाकाई में से प्रत्येक को पाँच मिलियन युवा दिए काव्या ने कहा वह आसानी से उपज देगा लेंग शाउटिंग की नाक पर शक हो गया ओम ऐसा लग रहा था कि काव्या बीच में जो कुछ हुआ था उसे छोड़ नहीं सकती थी ठीक है उसने शुरुआत में ऐसा करने से इनकार कर दिया लेकिन मैंने उसके दो आदमियों को घायल कर दिया और बाद में उन्हें ठीक कर दिया उसे मेरी दवाई चाहिए थी इसलिए हमने एक समझौता किया चिंता मत करो वह अब मुझे परेशान नहीं करेगा दवा दवा फिर से हालांकि लेंग शाउटिंग ने केवल इस बात की परवाह की कि क्यों तियानलिन काव्या से बदला लेने की कोशिश करेगा या नहीं कि तियानलिन से दूर रहो वह सीटू ये से भी ज्यादा खतरनाक है हाँ क्या आपका मतलब है कि मैं सीटू ये के संपर्क में रह सकता हूँ काव्या ने आंखें मूंद ली उसने यह जानबूझ कर लेंग शाउटिंग की प्रतिक्रिया देखने के लिए कहा था अप्रत्याशित रूप से लेंग शाउटिंग ने ब्रेक पर पटक दिया और कार को सड़क के किनारे अचानक रोक दिया क्या काव्या डर गई थी लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती उसका मुंह ढक लिया गया था लेंग शाउटिंग ने चूमा और उसके होठों को कसकर पकड़ लिया जैसे वह उसे सजा दे रहा हो कई मिनट बीत जाने तक उसने उसे जाने नहीं दिया काव्या के थोड़े सूजे हुए होंठ देखकर लेंग शोटिंग को थोड़ा बुरा लगा लेकिन उसने माफी नहीं मांगी इसके बजाय उन्होंने दबंग लहजे में घोषणा की सीटू ये से भी दूर रहो तुम्हारे पास मैं हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल सकता हूं काव्या को मजा आ गया वह उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी लेकिन उसने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी ऐसा लग रहा था कि वह उसे छेड़ नहीं सकती क्योंकि वह आसानी से दूसरे पुरुषों से ईर्ष्या करने लगता था ठीक है अब आगे बढ़ो काव्या ने कहा काव्या का हां में जवाब सुनकर लेंग शोटिंग संतुष्ट हो गया ओह मैं बाद में आपके लिए कुछ गोलियां बनाऊंगा और आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घायल है या बीमार है आप उन्हें ले जा सकते हैं हालांकि लेंग शाउटिंग एक अत्यंत उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी थे उन्हें चोट भी लग सकती थी और उनके कार्य हमेशा खतरों से भरे होते थे इसलिए उनके लिए कुछ दवाएं अपने साथ ले जाना आवश्यक था आप कुछ दादाजी को भी भेज सकते हैं वे उसके शरीर के लिए अच्छे हैं काव्या ने कहा जरूर लेंग शाउटिंग ने अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि काव्या ने यह अपने भले के लिए किया है हालांकि उन्हें उसकी दवा के प्रभावों पर संदेह नहीं था लेकिन वह इसके स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक था इतनी दवा कहाँ से लादे हो मेरे स्वामी ने मुझे दिया था उसने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे गोलियां कहां से मिली अतीत में मेरे प्रशिक्षण के दौरान मैं हमेशा घायल हो जाती थी इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे गोलियां लेने के लिए कहा और मैं हर बार जल्दी ठीक हो गई काव्या ने झूठ बोला मुझे लगता है कि मेरे गुरु भी एक उच्च कुशल डॉक्टर रहे होंगे हालांकि यह अजीब लग रहा था लेंग शाउटिंग ने काव्या के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया आप कल क्या कर रहे हैं लेंग शोटिंग ने पूछा मैं कल एंटीक स्टोर जाऊंगी काव्या ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेंग शाउटिंग ने कहा काव्या ने उसकी ओर देखा और पलके झपकाई क्या आप कल खाली है हाँ जब काव्या राजधानी में थी तब लेंग शाउटिंग ने वह काम पहले ही पूरा कर लिया था जो उसे काव्या के साथ रहने के लिए करना था चलो कल सुबह मेरे सहयुआन युवान एक पर जाए लेंग शाउटिंग ने कहा महान काव्या को इस ऐतिहासिक प्रकार के आवास में बहुत रुचि थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह लेंग श्यवटिंग की जगह थी जब वे घर वापस आए लेंग शोटिंग ने काव्या को बाथटब में पानी भरने में मदद की और काव्या नहाने चली गई हालांकि जब उसने अपने कपड़े उतारे ही थे लेंग शोटिंग अचानक बिना कपड़ों के बाथरूम में आ गई काव्या चकित थी फिर शर्मा गई और सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी उसने तुरंत खुद को नहाने के तौलिए से लपेट लिया क्या क्या कर रहे हो तुम यहां चलो एक साथ स्नान करते हैं लेंग शोटिंग ने कहा उसे तनिक भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई नहीं अब निकल जाओ, काव्या ने कहा काव्या को शर्माते देख लेंग शोटिंग को हंसी आ गई क्या आपको नहीं लगता कि अब शर्माने के लिए बहुत देर हो चुकी है यह कहते हुए वह उसके पास गया और उसका नहाने का तौलिया पकड़ लिया तुम काव्या थोड़ी पागल थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे उसने उसे एक और शब्द कहने की अनुमति नहीं दी लेकिन उसे अपनी बाहों में खींच लिया उनके नग्न शरीर आपस में बड़े चाव से रगड़ते थे लेंग शोटिंग ने काव्या को बेताशा चुमा जबकि उसके हाथ उसके चिकने शरीर पर चले गए काव्या ने उनके स्पर्श का भरपूर आनंद लिया उसने पूरी तरह से हार मान ली और उसे वह करने दिया जो वह चाहता था जब अगले दिन भोर हुई लेंग शोटिंग ने अपनी आंखें खोली अपनी लड़की को अपनी बाहों में चुपचाप सोता देखकर उसे गहरा प्रेम हुआ उसे अपनी तरफ से पाकर बहुत अच्छा लगा लेंग शाउटिंग ने सोचा था कि वह अकेले मर सकता है हालांकि जब से वह काव्या से मिला था उसके दिल की धड़कन रुक गई थी और अब वह उससे बहुत प्यार करता था थोड़ी देर काव्या को घूरने के बाद लेंग शाउटिंग अनिच्छा से बिस्तर छोड़ गया वह काव्या के लिए नाश्ता बनाने जा रहा था जब वह काव्या को वापस बिस्तर पर ले जा रहा था काव्या जाग गई शोटिंग उसने उसे तब बुलाया जब वह अभी भी आधी जाग रही थी सुप्रभात क्या मैंने आपको जगा दिया लेंग शाउटिंग ने अपनी बाह जो हवा के संपर्क में थी रजाई में डाल दी फिर अपनी आवाज कम कर दी यह अभी भी जल्दी है आप थोड़ी देर और सो सकते हैं काव्या ने धीरे से उत्तर दिया और फिर गहरी नींद में चली गई लेंग शोटिंग के साथ वह इतनी सुरक्षित महसूस कर रही थी कि वह आसानी से गहरी नींद में सो गई इसके अलावा कल रात जो उन्होंने किया था उसके बाद वह वास्तव में थक गई थी लेंग शाउटिंग ने काव्या को फिर से सोते हुए देखा तो एक कोमल और प्यार भरी मुस्कान पहनी और फिर बाहर चला गया नाश्ता तैयार करने के बाद वह वापस कमरे में चला गया इस वक्त काव्या पूरी तरह से जाग चुकी थी नाश्ता तैयार है लेंग शोटिंग ने कहा धन्यवाद काव्या ने कहा और बैठ गई जब उसने देखा कि वह अभी भी कई हिक्की के साथ नग्न है तो उसका चेहरा शुद्ध लाल हो गया और उसने तुरंत खुद को ढकने के लिए रजाई खींच ली चले जाओ बाहर निकलने से पहले लेंग शोटिंग खुशी से हंसे ओह तुम्हारे कपड़े कोठरी में हैं काव्या ने तब तक बिस्तर नहीं छोड़ा जब तक लेंग शोटिंग नहीं चली गई उसने कोठरी खोली और नए कपड़ों की एक पंक्ति देखी जो उसके सभी थे हालांकि जब उसने महिला अंडरवियर पर ध्यान दिया तो वह फिर से भड़क गई क्या उसने यह सब खरीदा या उसने किसी और से उन्हें खरीदने के लिए कहा क्या उसे अटपटा नहीं लगा काव्या पूरी तरह से चौंक गई जब उसे पता चला कि अंडरवियर उसे बहुत अच्छी तरह से फिट कर रहा है उसे कपड़े पहनने और बेडरूम से बाहर निकलने में काफी समय लग गया लेंग शोटिंग काफी संतुष्ट था जब उसने देखा कि काव्या ने उसके लिए तैयार किए गए कपड़े पहने हुए थे दूसरी ओर काव्या ने उस पर एक नज़र नहीं डाली बल्कि टेबल पर बैठ गई और सीधे नाश्ता किया लेंग शाउटिंग समझ गया था कि वह शर्मिली थी लेकिन उसने जानबूझकर इसे उठाया क्या यह सही बैठता है काव्या ने हल्का सा उत्तर दिया फिर चुप रही लेंग शोटिंग ने भी उसे छेड़ना बंद कर दिया नाश्ते के बाद काव्या ने काउ वेनक को बुलाया और उन्हें अपने साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया यह सुनकर लेंग शोटिंग नाराज हो गए उनके लिए कुछ समय अकेले बिताना आसान नहीं था लेकिन काव्या ने अपने दोस्त को अपने साथ आने के लिए बुलाया बहरहाल यह उचित नहीं होगा यदि काव्या काओ वेनक्सिन को होटल में अकेला छोड़ दे इसलिए लेंग शाउटिंग ने इसका विरोध नहीं किया सौभाग्य से काओ वेनक्सिन का पहले से ही उसकी दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट था इसलिए वह सुबह उनके साथ बाहर नहीं जाती थी लेकिन वह रात के खाने के लिए उनसे मिलती थी सुबह करीब नौ बजे काव्या और लेंग शॉटिंग शुरू हुई लेंग शाउटिंग का सहयुआन बेहाई पार्क से ज्यादा दूर नहीं था और डाउनटाउन में स्थित था डाउनटाउन में इसका सबसे अच्छा स्थान और दृश्य था सिहयुआन की परिधि में एक बड़ा घास का मैदान था सामने के दरवाजे को धक्का देकर खोला वहां एक बड़ा अहाता था जिसके दोनों ओर सुंदर आड़ू के पेड़ पंक्तिबद्ध थे सर्दी का मौसम था इसलिए पेड़ खिले नहीं थे लेकिन बसंत में यह लुभावनी होगी अहाते के बाईं ओर एक कृत्रिम चट्टान थी जिसके नीचे एक सुंदर कमल का तालाब था सर्दी का मौसम था इसलिए कमल के फूल नहीं थे लेकिन कार का एक स्कूल उसमें तैर रहा था कमल के तालाब के बगल में एक छोटा गजेबो था जिसमें एक रॉक टेबल और चार रॉक स्टूल थे जब मौसम गर्म हो गया तो वे यहाँ आराम और आराम कर सकते थे प्रांगण के दोनों ओर ऐतिहासिक शैली में मार्ग थे काव्या को तुरंत स्टाइल से प्यार हो गया यह सिर्फ सामने का अहाता था और एक पिछवाड़ा भी था वे आगे बढ़ते रहे सामने के हॉल से होते हुए पीछे के अहाते में नजारा देखते ही काव्या की आंखें फिर से चमक उठी पीछे का अहाता इतना सुंदर था कि काव्या को इस जगह से सचमुच प्यार हो गया था क्या आपको यह पसंद है हालांकि लेंग शॉटिंग पहले से ही काव्या के चेहरे से जवाब जानता था फिर भी वह उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता था बेशक मैं काव्या खुशी से मुस्कुरा दी लेंग शोटिंग ने काव्या को गले लगाया और कहा यह जगह राजधानी विश्वविद्यालय के पास है जब तुम पढ़ोगे तो हम यहां रह सकते हैं काव्या एक पल के लिए गूंगी हो गई और अस्वीकार कर दी गई नहीं मैं अपना घर खरीदने जा रहा हूँ यह सुनकर लेंग शोटिंग परेशान हो गया नहीं तुम यहाँ मेरे साथ रहने वाले हो नहीं मुझे परवाह नहीं है तुम जहां रहोगी वही रहूंगा लेंग शाउटिंग काव्या के साथ बहस नहीं करना चाहते थे वह केवल उसके साथ रहना चाहता था काव्या अपने बच्चों जैसे जवाब से चकित थी लेकिन जब यह आएगा तो वह निर्णय लेगी हालांकि लेंग शाउटिंग कभी भी इस सीवान में नहीं रुके थे लेकिन जो कुछ भी आवश्यक था वह उसमें था और इसे नियमित रूप से साफ किया जाता था ताकि वे जब चाहे यहाँ रह सके निंगिंग क्या तुम करे में आराम करना चाहती हो या मेरे साथ किराने की खरीदारी करने जाना चाहती हो लेंग शोटिंग ने पूछा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा महान फिर लेंग शाउटिंग ने काव्या का हाथ पकड़ा और सुपरमार्केट की ओर चल दिया जब वे सुपरमार्केट में दाखिल हुए तो उनके आसपास के लोग उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति से दंग रह गए कुछ महिलाओं ने लेंग शाउटिंग को भी घूर कर देखा और सीधे तौर पर अपने पुरुष सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया हालांकि लेंग शौटिंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि काव्या से पूछा तुम क्या लेना चाहती हो चलो पहले चारों ओर एक नजर डालते हैं काव्या ने कहा उसे वास्तव में पता नहीं था कि कौन सा खाना खरीदना है क्योंकि उसे खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेंग शाउटिंग ने गाड़ी को धक्का दिया जबकि काव्या जो चाहती थी उसे ढूंढ रही थी काव्या ने बहुत सारे भोजन का चयन नहीं किया क्योंकि उनमें से केवल दो ही थे किराने की खरीदारी के बाद लेंग शाउटिंग ने काव्या को आराम करने के लिए कहा और कहा कि वह खाना बनाएगी इस समय काव्या को गुमान का फोन आया निगिंग लालटेन महोत्सव तीन दिन दूर है तुम घर कब आ रहे हो गुमान ने पूछा उसकी बेटी हर दिन दूसरे शहर में व्यस्त रहती थी वह चिंतित थी लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी मैं कल व्यस्त हूं लेकिन मैं परसों वापस आ जाऊंगी काव्या ने कहा आप हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता आपको अपनी अच्छी देखभाल करनी चाहिए मुझे परवाह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मायने रखता है ठीक है मान ने कहा मैं समझता हूँ माँ आपको भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है काव्या ने कहा ओह क्या गो परिवार के लोगों ने पिछले दिनों तुम्हें परेशान किया यह सुनकर मान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और बोली गुकिंज्यान ने मुझे एक बार फोन किया था उनकी कंपनी अब मुश्किल से चल सकती है इसलिए वह कुछ पैसे उधार लेना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया हालांकि किंजान गुमान का बड़ा भाई था लेकिन उसने जो किया उससे उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था इसलिए वह अतीत को कभी नहीं भूलेगी और उसकी मदद करेगी गुमान अब एक समृद्ध जीवन जी रही थी इसलिए वे अपने कोट पर सवार होना चाहते थे अगर गुमान पहले की तरह गरीब होती तो उन्हें कभी याद नहीं रहता कि गुमान उनका परिवार था गुमान को गोकिंज्यांग के बारे में जो पता था उससे वह समझ गई थी कि वे उसका सम्मान नहीं करेंगे भले ही वह अब अमीर थी इसके बजाय वे उसकी संपत्ति हड़पने या उसके जीवन को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे बहुत अच्छा उन्हें अनदेखा कर दो काव्या ने गुमान का समर्थन किया गुमान के साथ कुछ मिनट बात करने के बाद काव्या ने फोन रख दिया डेढ़ घंटे के भीतर मेज पर पांच व्यंजन रखे गए थे लिंग शाउटिंग ने फिर काव्या को साथ में भोजन करने के लिए बुलाया काउं वेनक्सन और एस जिन्यू की आज नियुक्ति थी और एस शिन्यू एक अन्य महिला मित्र सुटोमो के साथ आई सुटोमो बहुत सुंदर और शिष्ट थी वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री नहीं थी लेकिन उनका अभिनय कौशल काफी अच्छा था हालांकि उसे अधिक मौके नहीं मिले क्योंकि उसने मनोरंजन उद्योग में अनतह नियमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जब से उन्होंने एक बिग बॉस को नाराज किया था उन्हें सीधे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया था सुटोमनो का प्रमुख उनके कॉलेज में ग्राफिक डिजाइन था और उन्होंने सहयोग से मनोरंजन उद्योग में प्रवेश किया था चूंकि वह जिस कंपनी के लिए काम करती थी वह अब उसे कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उसने ऐसिन्यू पर भरोसा किया जिसने उसे जीवन यापन करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइन से संबंधित कुछ नौकरियां दिलाने में मदद की ऐशिन््यू का परिवार अच्छी मात्रा में धन के साथ अपेक्षाकृत समृद्ध था लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं थी इसलिए उसके माता पिता कंपनी से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थे जब वे तीनों एक रेस्तरा में घुसे ही थे कि उनकी नज़र एक लुटेरे पर पड़ी बिना देर किए काओ वेनक्सिन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा हालांकि लुटेरा तेजी से भागा काओ वेनक्सिन तेजी से भागा सेकंड के भीतर काओ वेनक्सिन ने लुटेरे को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और हैंडबैग वापस ले लिया लूटी गई अधेड़ उम्र की महिला ने काओ वेनक्सिन को बार बार धन्यवाद दिया और चूंकि हैंडबैग वापस आ गया था अधेड़ उम्र की महिला ने पुलिस को फोन करने की जहमत नहीं उठाई संयोग से खिड़की से बैठे जू जिनचेन और शिन बेई ने यह दृश्य देखा उस समय शिनबेई ने काओ वेनक्सिन के बारे में अपने बुरे प्रभाव को बदल दिया यह आश्चर्यजनक है कि काओ वेनक्सिन लड़ने में अच्छा है 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 जो को बहुत 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 आश्चर्य हुआ और वह बहुत बहादुर है। वह बहादुर है, लेकिन बहुत आवेगी भी कभी कभी उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए और शामिल नहीं होना चाहिए शिन बेई ने कहा जो जिनचेन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला वे ऊपर चल रहे हैं हम उन्हें एक साथ भोजन करने के लिए क्यों नहीं बुलाते जो जिनचेन ने कहा जो भी हो शिनबे ने एक अमित्र स्वर में कहा मुझे लगता है कि आप वास्तव में उसे नापसंद करते हैं यह सिर्फ एक गलतफमी थी तो आप इसे जाने क्यों नहीं देते जो जिनचेन को समझ नहीं आया कि शिनबे अचानक इतनी नीच क्यों हो गई इसके अलावा शिनबे उस समय उसके साथ बात कर रही थी और हंस रही थी हालांकि एक बार काओ वेनक्सिन दिखाई देने के बाद शिनबे बहुत ठंडे और गंभीर दिखे ठीक है अगर आप उसे नहीं देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित नहीं करूंगा चलो बस दिखावा करते हैं कि जब वे बाद में आएंगे तो हम उन्हें नहीं देखेंगे शिन बेई की भौहें तन गई उसने अपने होंठ हिलाए लेकिन कुछ नहीं बोला इस रेस्तरा में केवल एक डाइनिंग हॉल था इसलिए यह दिखावा करना कठिन था कि उन्होंने काउं वेनक्सिन और उसकी सहेली को तब तक नहीं देखा जब तक कि दोनों लड़कियां विपरीत दिशा में नहीं चली गई हालांकि एक वेटर ने काउ वेनक्सिन और उसकी दोस्त को सही दिशा में चलने के लिए निर्देशित किया क्या बुरा था काव वेनक्सिन ने अगले ही सेकंड जू जिनचेन की आंखों से मुलाकात की और अगर जो जिनचे ने अभी भी कुछ नहीं कहा तो यह असभ्य होगा ओह हाय मिस काओ क्या संयोग है क्या आप हमारे साथ भोजन करना चाहेंगे जो जिनचे ने विनम्रता से कहा काओ वेनक्सन ने शिन बे पर एक नजर डाली और अस्वीकार कर दिया धन्यवाद मिस्टर जू लेकिन हमने पहले ही एक टेबल बुक कर ली है उसने शिन बेई को सीधे नजरअंदाज कर दिया उसके बाद काओ वेनक्सिन ने वेटर का पीछा किया जो जिनचें के सामने एक मेज पर चलकर जब ऐ शिन्यु ने शिनबेई को देखा तो वह काफ़ी हैरान रह गई वेनक सिंह यह दुनिया कितनी छोटी है तुम भयानक आदमी के दोस्त को जानते हो ऐ जिन्यु ने काउ वेनक सिंह से कहा हालांकि ऐ शिन्यु ने अपनी आवाज़ धीमी रखी फिर भी शिनबेई और जू जिनचेन ने इसे सुना शिनबेई एक बार में नाराज़ हो गए लेकिन जू जिनचेन चुपचाप हंस पड़े काउ वेनक ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया और समझाया वास्तव में यह सिर्फ़ एक गलतफहमी थी वह भयानक आदमी नहीं है महिला उसकी प्रेमिका थी और उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पहले कुछ नहीं था और अब जब वह सफल हो गया तो वह स्त्री उसके पास वापस आ गई वे सभी मेरे देवर के अच्छे दोस्त हैं और हमने कल रात साथ में खाना खाया था वह शिन बे को नापसंद करती थी लेकिन वह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्या जिन्यू हैरान थी क्या आप कल रात साथ थे ठीक है हमने थोड़ी देर तक बहस की काओ विनक ने कहा वेनकसिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी कभी बहुत आवेगी हो और अब तुम एक निर्दोष आदमी को चोट पहुंचाती हो ऐ शिन्यू ने कहा यह मेरी गलती नहीं थी आपने कल भी देखा था कि क्या हुआ था और दूसरों के लिए इसे गलत समझना बहुत आसान था हालांकि काउं वेनकसिन ने स्वीकार किया कि उसने शिन शिनबेई को गलत समझा था लेकिन उसे नहीं लगा कि यह सब उसकी गलती थी जू जिनचेन और शिन शिनबेई ने अपना भोजन पहले समाप्त कर लिया उनके जाने से पहले जू जिनचेन ने धीरे से काउ वेनकसिन को अलविदा कहा और उनके विनम्र रवैये ने दोनों लड़कियों पर एक बड़ी छाप छोड़ी मुझे लगता है कि यह आदमी सुंदर और विनम्र है अगर वह अविवाहित है तो आप उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश क्यों नहीं करते ने वेनक्सिन से कहा काउ वेनक्सिन ने कुछ देर सोचा जो जिनचेन वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण से हो लेकिन उनके मन में अभी तक उनके प्रति कोई भावना नहीं थी इसलिए उसने धैर्य रखने का फैसला किया जब काउ वेनक और उसकी सहेली ने अपना भोजन समाप्त किया और बिल का भुगतान करने गई तो वेटर ने उन्हें बताया कि जू जिनचेन ने उनके लिए पहले ही भुगतान कर दिया है वे चकित थे बहुत खूब वह न केवल सुंदर और सौम्य है बल्कि बहुत उदार भी है ए ऐसि ने तारीफ की काव्या और लेंग शाउटिंग अपने भोजन के बाद सेहवान के आसपास के क्षेत्र में टहलने गए जल्द ही वे बेहाई पार्क आ गए क्या आप नदी पर नाव लेना चाहते हैं लेंग शोटिंग ने पूछा जरूर काव्या ने उत्साह से कहा बाद में उन्होंने एक छोटी नाव किराए पर ली और काव्या और लेंग शोटिंग के अलावा नाव पर केवल एक नाविक था उन्होंने नदी के किनारे के दृश्य की सराहना की जबकि नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी काव्या नाव के किनारे के पास बैठ गई इसलिए जब उसने देखा कि नाव के पास एक सुनहरी मछली आ रही है और ऐसा लग रहा था कि वह मर रही है तो उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसमें कुछ शक्ति डाल दी जल्द ही सुनहरी मछली फिर से जीवित हो गई यह देखकर लेंग शोटिंग हैरान रह गए लेकिन कुछ नहीं बोले काव्या ने मजाक में कहा यह एक सुनहरी मछली है और हम इसे नहीं खा सकते अन्यथा मैं इसे घर लाकर पकाती लेंग शोटिंग मुस्कुराए और धीरे से काव्या के सिर पर हाथ फेरा यदि आप मछली खाना चाहते हैं तो हम बाद में मछली खरीद सकते हैं काव्या ने पलक झपकाई क्या आपको समुद्री भोजन से एलर्जी नहीं है मछली समुद्री भोजन भी है मुझे मछली से एलर्जी नहीं है लेंग शाउटिंग ने कहा अच्छा हम आज दोपहर मछली खा सकते हैं काव्या ने मुस्कराते हुए कहा काव्या का पसंदीदा भोजन समुद्री भोजन था दुर्भाग्य से लेंग शाउटिंग को समुद्री भोजन से एलर्जी थी इसलिए जब वह लेंग शाउटिंग के साथ थी तो उसने कभी भी समुद्री खाने का उल्लेख नहीं किया जब काव्या ने सुनहरी मछली को वापस पानी में डाल दिया तो सुनहरी मछली तैरकर नहीं आई बल्कि काव्या के ठीक सामने कूद गई जैसे वह उसके लिए प्रदर्शन कर रही हो इसके अलावा काव्या को इस बात का प्रबल आभास था कि सुनहरी मछली उसे कृतज्ञतापूर्वक देख रही है जिसने काव्या को चकित कर दिया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा लेंग शाउटिंग में भी वही अजीब सा एहसास था और वह काव्या की तरह ही हैरान था लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा काव्या को अचानक एक विचार आया और उसने तुरंत अपनी जेड़ आंखों का उपयोग करके देखा कि पानी में क्या है पानी मटमैला था लेकिन काव्या की जेड़ आइस के सामने एकदम साफ हो गया था पानी में घने जलीय पौधों के साथ बहुत सारी मछलियां थी जैसे ही काव्या पीछे मुड़कर देखने वाली थी उसकी नज़र में पचास सेंटीमीटर के सूटकेस के आकार का एक सिंदूरी लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया क्या इसमें कोई प्राचीन वस्तुएं हैं उसने मन ही मन सोचा काव्या ने लकड़ी के बक्से के अंदर देखा और वह सही थी डिब्बे में कई एंटीक सामान थे काव्या ने उनमें से कुछ को पहचान लिया जैसे किंग राजवंश की कई चीनी मिट्टी की बोतलें सभी प्राचीन वस्तुएं किंग राजवंश के दौरान महल से थी काव्या ने अनुमान लगाया कि यह संभव है कि किसी ने उन प्राचीन वस्तुओं को महल से चुराया हो लेकिन पता चला हो इसलिए प्राचीन वस्तुओं को नदी में छोड़ दिया गया था वे अब खाई पर नौकायन कर रहे थे और खाई के बगल में प्राचीन महल थे काव्या उत्तेजित हो गई और लेंग शोटिंग के हाथों लपकी गई क्या हुआ तुम इतने खुश क्यों हो लेंग शोटिंग ने उत्सुकता से पूछा काव्या ने तब महसूस किया कि उसे अपना उत्साह नहीं दिखाना चाहिए था लेकिन वह घबराई नहीं उम ओह मैंने अभी अभी पानी में दो मछलियों को लड़ते देखा है दो मछलियां लड़ रही थी लेंग शोटिंग हैरान था हालांकि काव्या को प्राचीन वस्तुएं मिली लेकिन वह उन्हें अभी नहीं पा सकी खासकर जब लेंग शोटिंग यहां थी इसलिए उसने अगली बार खुद राजधानी आने की योजना बनाई काव्या जल्दी में नहीं थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि दूसरे लोग लकड़ी के बक्से को ढूंढ पाएंगे अन्यथा लकड़ी का बक्सा सैकड़ों वर्षों तक पानी में छिपा नहीं रहता एक घंटे तक पार्क में घूमने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग सेहवान वापस चले गए और फिर एंटीक स्ट्रीट की ओर चले गए एक बार जब वे प्राचीन सड़क पर थे काव्या ने अनजाने में सड़क के किनारों पर वस्तुओं को स्कैन करने के लिए अपनी जेड आंखों का इस्तेमाल किया आश्चर्यजनक रूप से उसे दो असली प्राचीन वस्तुएं मिली हालांकि वे बहुत मूल्यवान नहीं थी जब वे जियानव्युन एंटीक स्टोर में चले गए काव्या ने सीधे चेन दारोम को वह एंटीक दिया जो उसने अभी खरीदा था और चेन दारोम भी हैरान था उसके बाद चेन दारोंग ने काव्या को स्टोर में बिक्री के बारे में एक रिपोर्ट दी एंटीक स्टोर हर दिन व्यस्त नहीं थे लेकिन जियानव्युन एंटीक स्टोर एक अपवाद था इसने असली प्राचीन वस्तुओं के कई टुकड़े भी बेचे थे सड़क पर अन्य एंटीक स्टोर के मालिक ईर्ष्यालु थे लेकिन उनमें से किसी ने भी एंटीक स्टोर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इसमें मास्टर जू और मास्टर जियांग का समर्थन था हालांकि काव्या लेंग शोटिंग के पीठ पीछे सब कुछ नहीं करती थी लेकिन कभी कभी उसे उससे बचना पड़ता था उदाहरण के लिए वह लेंग शॉटिंग के सामने अपने साथ ले जाने वाली प्राचीन वस्तुओं को नहीं दिखा सकती थी लेंग शोटिंग पूरे समय काव्या के साथ थी इसलिए अगर वह अचानक बहुत सारी एंटीक चीजें निकाल लेगी तो उसे शक होगा हालांकि अगर वह उन्हें चेनदारोंग के सामने दिखाती तो चैन दारोंग को कोई संदेह नहीं होता इसलिए काव्या ने एक बहाना बनाया और चैन दारोंग को ऑफिस में उसके साथ कुछ चर्चा करने के लिए कहा जबकि लेंग शाउटिंग लाउंज में उसका इंतजार करने चला गया जब वे कार्यालय में थे काव्या ने अपने बैग में से कई संकाई प्राचीन वस्तुएं निकाली चैन दारोंग ने जब उन्हें देखा तो सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली काव्या ने चैन दारों को प्राचीन वस्तुओं से निपटने के लिए कहा और फिर लेंग शाउटिंग के साथ चली गई उस दोपहर काव्या को निंग चांगकाई का फोन आया उसने उसे बताया कि सब कुछ तैयार हो गया है और काव्या ने जवाब दिया कि वह कल दोपहर में उससे मिलने जाएगी बाद में काव्या ने काउ विनक सिंह को उनके साथ सिहवान में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया लेंग शाउटिंग थोड़ा परेशान था कि वह अपनी लड़की के साथ अकेला नहीं रह सकता लेकिन उसने कुछ नहीं कहा जब काउ विनक सिंह सीवान पहुंचे तो वह पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि राजधानी के शहर में इतने लंबे इतिहास के साथ इतने सुंदर और भव्य सीवान को देखना दुर्लभ था यह एक भाग्य के लायक होना ही था वह बहुत अमीर है निंगिंग मुझे लगता है की बहनोई सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि अन्यथा वह इतना महंगा घर नहीं खरीद सकते थे काओ वेनक्सिन ने कहा अगर लेंग शाउटिंग सिर्फ एक सैन्य अधिकारी होता तो उसके लिए इस चतुर्भुज को खरीदना असंभव होता काव्या ने कहा ठीक है उसके नाम पर कई संपत्तियां हैं और वह उन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए लोगों को काम पर रखता है लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है अचानक काव्या लेंग शोटिंग की संपत्तियों के बारे में थोड़ी उत्सुक थी उसने आज रात उससे पूछने का फैसला किया लेंग शाउटिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में काव्या ने काउ वेनक्सिन को नहीं बताया काउ वेनक्सिन ने काव्या को बताया कि उसने आज क्या किया और सुतोमनो का उल्लेख किया सुटोमनो के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद उसके मन में एक विचार आया सुटोमनो उत्कृष्ट अभिनय कौशल के साथ तेजस्वी थी जिसका अर्थ था कि उनमें बहुत क्षमता थी उसने मनोरंजन उद्योग में अंते नियमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया इसलिए उसे सिद्धांतों वाली महिला बनना पड़ा काव्या ने सुतोंगनों को नौकरी पर रखने का मन बना लिया बेशक वह सिर्फ काउ वेनक के शब्दों के कारण निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी इसलिए उसने के को एक संदेश भेजा और उसे सुतोंगनुओं की जांच करने के लिए कहा दस मिनट के भीतर के के पास परिणाम था जिसने यह साबित कर दिया कि काउंव वेनक ने जो कहा था वह सच था सुटोमनो ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया था और उद्योग से बाहर कर दिया गया था सुटोन्नियो ने जिस कंपनी के लिए काम किया वह फीटिंग एंटरटेनमेंट थी जो राजधानी में बहुत प्रसिद्ध नहीं थी लेकिन छोटी भी नहीं थी काव्या नेके को फीटिंग एंटरटेनमेंट के बॉस की जांच करने के लिए कहा कि उसके पास कुछ गंदे रहस्य हैं या नहीं अगर उसके पास होता तो वह सुटोंगनो के साथ अनुबंध समाप्त करने की धमकी देने के लिए उसके गंदे रहस्यों का इस्तेमाल कर सकती थी बेशक वह पहले उससे अच्छे से बात करेगी अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता था तो वह उसे धमकी देती थी वेनक सिंह क्या आप सुटोंगनों से संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं काव्या ने पूछा जरूर काउ वेनक सिंह ने कहा हालांकि वह नहीं जानती थी कि काव्या ने सवाल क्यों पूछा कृपया उसे आज रात हमसे मिलने के लिए आमंत्रित करें मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं उससे बात करना चाहता हूँ काव्या ने कहा आप उससे किस बारे में बात करने जा रहे हैं काउ वेनक सिंह समझ नहीं पाए क्योंकि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे काव्या ने अपना लक्ष्य नहीं छुपाया और काउ वेनक सिंह को अपनी योजना बताई काउ वेनक सिंह चकित था तुम बहुत अविश्वसनीय हो आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी कंपनियां स्थापित कर ली है मुझे ने कहा मैं सिर्फ पर्दे के पीछे का बॉस हूं और मैं उन्हें प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सक्षम लोगों को नियुक्त करती हूं। क्या वे आपका फायदा उठाएंगे क्योंकि आप बहुत छोटे हैं काव वेनक सिंह ने पूछा क्या आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ काव्या ने कहा कांव वेनक एक सेकंड के लिए गूंगी हो गई फिर उसे एहसास हुआ कि काव्या कितनी शानदार थी काव्या गिरोह के मुखिया का सामना करने से नहीं डरती थी इसलिए वह निश्चित रूप से सामान्य लोगों से नहीं डरती काउ वेनक ने तुरंत सुटोमो को बुलाया और उसे बताया कि काव्या उसे साइन करने जा रही है सुटोमो उत्साहित थी और आज उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई जल्द ही काव्या को के द्वारा भेजा गया ईमेल मिला जैसा कि उसने मान लिया था फीटेंग एंटरटेनमेंट के बॉस के पास वास्तव में कई गंदे रहस्य थे यह असामान्य नहीं था कि उन सभी के कुछ गंदे रहस्य थे काव्या में भी कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं चाहेगी कि दूसरों को पता चले रात के खाने के बाद लेंग शाउटिंग ने काव्या और काओ वेनक्सिन को सुतोंगनो से मिलने के लिए भेजा काव्या और काओ वेनक्सिन नियत स्थान पर चले गए जबकि लेंग शाउटिंग कार में इंतजार कर रहे थे जब काव्या और काओ वेनक्सिन पहुंचे सुतोंगनो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी काव्या को देखकर सुटोंगनों हैरान रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या इतनी छोटी है हालांकि उसने फिर भी काव्या के प्रति अपना सम्मान दिखाया भले ही काव्या एक छात्रा की तरह दिखती थी टोमो कृपया मुझे अपना परिचय दें यह मेरी दोस्त काव्या है काउ विनक ने सुतोमो से कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस गो सुटोमो ने काव्या का विनम्रता से स्वागत किया आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सु काव्या विनम्र भी थी कृपया बैठ जाइए सुटोमो ने कहा आप क्या पीना चाहते हो एक वेट्रेस ने काव्या और काउ विनक को एक मेन्यू दिया काव्या ने फिर एक कॉफी का ऑर्डर दिया जबकि काओ वेनक्सिन ने एक कप चाय का ऑर्डर दिया जानकारी मांगी मुझे लगता है कि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और मैं आपको साइन करना चाहूंगा यदि आप मेरे लिए काम करने के इच्छुक हैं तो मैं फीटिंग एंटरटेनमेंट के साथ आपके अनुबंध को समाप्त करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि मेरी कंपनी में कोई अनकहा नियम नहीं है आपको नौकरी के लिए ग्राहकों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप मेहनती है और मेरी कंपनी के प्रति वफादार है मैं आपको अच्छा भुगतान करूंगा जहां तक मेरी कंपनी का सवाल है मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा यह पहले से ही पंजीकृत है लेकिन अभी भी पुनर्वितरित किया जा रहा है इसलिए यदि आप मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं तो यह जोखिम भरा है यह सब आप पर निर्भर करता है और क्या आपके पास अपना करियर बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा है कोई अनतहा नियम नहीं था और केवल नौकरी के लिए उन घिनौने मोटे आदमियों की सेवा नहीं करनी पड़ती थी सुतोमो ने ठीक यही सपना देखा था उसे अभी काव्या की कंपनी के भविष्य की परवाह नहीं थी क्योंकि वह फीटिंग से छुटकारा पाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी और वह एक साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए काफ़ी बहादुर थी इसलिए सुटोमनो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए मिस गु मैं आपके नेतृत्व का पालन करने को तैयार हूं क्योंकि मेरी स्थिति इससे खराब नहीं हो सकती मैं एक कुशल अभिनेत्री के रूप में भी कड़ी मेहनत करूंगी और कंपनी के प्रति वफादार रहूंगी लेकिन हालांकि सुतोमो फिटेंग से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक थी लेकिन जब उसने प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सोचा तो वह असहज महसूस कर रही थी जिस व्यक्ति ने मुझे बाहर किया वह सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो के उप निदेशक का बेटा है यह राजधानी थी सरकार के समर्थन के बिना फिटेंग एंटरटेनमेंट की तो बात ही छोड़ दें जो बहुत बड़ी नहीं थी यहां तक कि सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी भी इस जगह पर अपना व्यवसाय नहीं चला सकती थी इस देश में सत्ता पूंजी पर हावी हो गई चिंता मत करो मैं इसे संभाल सकती हूँ काव्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा चूंकि काव्या ने ऐसा कहा सुतोमो ने काव्या के कारण नहीं बल्कि काव्या के पीछे की शक्ति के कारण विश्वास करना चुना काव्या बहुत छोटी थी इसलिए सुतोमो ने सोचा कि पर्दे के पीछे उसका समर्थन करने वाला कोई उच्च पद वाला होना चाहिए ओह क्या आप कृपया मेरे सहायक के फीडिंग के साथ अनुबंध को समाप्त करने में, में मेरी मदद करेंगे वह बहुत अच्छी है और मैं उसके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूँ सुतोमनो ने कहा कोई बात नहीं काव्या ने परवाह नहीं की चूंकि सुटोंगनो के पास पहले से ही उसका पसंदीदा सहायक था काव्या उसे खोजने में मदद करने के लिए कुछ प्रयास बचा सकती थी बहुत बहुत धन्यवाद सुटोंगनो ने कहा ठीक है मैं कल सुबह करीब नौ बजकर तीस मिनट बजे फेटिंग एंटरटेनमेंट जाऊंगा मेरी कंपनी का नाम फेंगुआ एंटरटेनमेंट है और आप तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने अब तक काम पर रखा है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है काव्या ने कहा और सुटोंगनो से मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया सुटौनो को फीटिंग एंटरटेनमेंट छोड़ने का दुख हुआ इसलिए काव्या के साथ सहयोग करना उनके लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं था हालांकि फिटिंग एंटरटेनमेंट के साथ सुटौनियों का समझौता समाप्त होने के बाद ही वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे वे वहां अधिक समय तक नहीं रहे और थोड़े समय के बाद अलग हो गए अपने घर वापस जाने से पहले काव्या और लेंग शाउटिंग काउ विनक्सिन को वापस होटल ले गए अभी भी जल्दी थी इसलिए लेंग शोटिंग ने काव्या को सोफे पर लेटे टीवी देखते हुए गले लगा लिया शोटिंग आपके पास कौन सी कंपनियां हैं काव्या ने पूछा वह केवल शेंगशी सिक्योरिटी कंपनी के बारे में जानती थी काव्या को आखिरकार उसके बारे में और जानने में दिलचस्पी थी इसलिए लेंग शोटिंग बहुत खुश थी मैं वास्तव में नहीं जानता क्योंकि मैंने उन्हें प्रबंधित करने के लिए अन्य लोगों को काम पर रखा है मेरे कॉरपोरेशन का नाम शेंगशी ग्रुप है जब काव्या ने उसे बताया कि उसके निगम का नाम शेंगनिंग समूह है तो उसने सोचा कि वह और काव्या एक साथ रहने वाले थे शेंगशी समूह काव्या चौंक गई उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शेंगशी समूह के बारे में सुना था जिसके पास सैकड़ों अरबों युवाओं की संपत्ति थी उसके आश्चर्य के लिए केवल लेंग शाउटिंग ही एक देश जितना ही समृद्ध था काव्या ने लेंग शोटिंग को अपने पास आते हुए देखा और धीरे से कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अविश्वसनीय रूप से अमीर हो मुझे नहीं लगता कि मुझे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है काव्या मजाक कर रही थी लेकिन लेंग शोटिंग तुरंत चालू हो गई उसने उसे अपने सीने से लगा लिया जरूर लेकिन आपको पहले मुझे संतुष्ट करने की जरूरत है इतना कहने के बाद उन्होंने उसे किस कर लिया काव्या हैरान थी कि वह इतना कामुक था दूसरी ओर लेंग शाउटिंग काव्या से पर्याप्त नहीं मिल सका बाद में दोनों ने सोफे पर बेधाशा प्यार के दौर चलाए काव्या अगली सुबह आठ बजे तक नहीं उठी क्योंकि उसने कल रात बहुत मेहनत की थी जब तक वह बिस्तर से बाहर निकली तब तक लेंग शाउटिंग ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था नाश्ते के बाद काव्या ने जो कुछ के ने उसे ईमेल में भेजा था उसकी एक प्रति बनाई दस्तावेज को देखकर लेंग शोटिंग ने पूछा क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है धन्यवाद लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूं काव्या ने कहा मैं हर समय आप पर भरोसा नहीं कर सकता मुझे अभ्यास करने और सीखने की जरूरत है कि मैं अपने खुद के व्यवसाय से कैसे निपटूं। लेंग शौटिंग ने जोर नहीं दिया लेकिन कहा जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो मुझे कॉल करें मैं करूंगी काव्या ने कहा फिर उसने दस्तावेज को अपने बैग में रख लिया चल दर सुटोंगनो कंपनी में सुबह नौ बजे से पहले पहुंचे हालांकि उसे पहले ही उद्योग से बाहर कर दिया गया था फिर भी उसे सप्ताहांत को छोड़कर हमेशा की तरह काम पर जाना पड़ता था उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था बस वहीं बैठी रही कंपनी के अन्य कलाकार जब फ्री होते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे देखो टोंग्नो इतनी जल्दी काम पर आ रहा है सु के पीछे एक महिला की आवाज़ ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा उसके बाद एक स्टाइलिश महिला अंदर चली गई उसके बाद कई पुरुष जैसे वह रानी थी महिला ने स्पष्ट अहंकार के साथ सुतोंगनुओं को देखा और उसके पीछे आने वाले लोगों ने भी सुतोंगनुओं को तिरस्कार से देखा वह महिला ली लीजियू थी जो फीटेंग एंटरटेनमेंट में एक अभिनेत्री भी थी सुटोमनो के साथ ही फेटेंग ने भी उन्हें साइन किया था हालांकि सुटोमनो उससे बेहतर अभिनेत्री थी इसलिए ली लीजियायू के पास ज्यादा मौके नहीं थे और सुतोंगनओं से बहुत नफ़रत करते थे उसने स्वीकार किया कि वह सुतोंगनुओं की तरह सुंदर या कुशल नहीं थी लेकिन उसने नहीं सोचा कि सुतोंगनुओं के कारण उसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए जब से सुतोमो को उद्योग से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने अनिर्दिष्ट नियमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ली जियू के पास आखिरकार वह करने का मौका था जो सुतोमो नहीं करना चाहती थी हालांकि ली जायुए अभी तक ए सूची में से एक नहीं थी लेकिन उसने पहले ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसे विश्वास था कि वह एक घरेलू नाम होगी जल्दी सुतोमो ने बस उसे एक नज़र देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा और न ही उसका अभिवादन किया तुम इतने असभ्य हो कि जब जीव यहां होती है तो तुम उसका अभिवादन नहीं करते आपको क्या लगता है कि आप क्या है एक बड़ा सितारा ली जियो के सहायक ने कटुता से कहा सुटोमनो ने शांति से सहायक की ओर देखा और पूछा क्या यह कानून में है कि आम नागरिकों को एक स्टार के प्रकट होने पर उसका अभिवादन करना चाहिए आप सहायक पागल था सुटोमनो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है मैं एक इंसान हूं क्या तुम यह नहीं देख सकते सुटोमनो हंसे तुम असिस्टेंट गुस्से में था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे अपने सहायक को अपमानित देख कर ली जयु नाराज हो गई सुतोमनो चलकर देखते हैं उसके बाद वह कुछ कदम चली फिर अचानक रुक गई एक लड़की पर चिल्ला रही थी जो उसे घूर रही थी देखने के लिए कुछ भी नहीं है मुझे अभी एक कॉफी पिलाओ वह लड़की सुतोमनो की सहायक लिंजियासिया थी जब से सुतोमो को उद्योग से बाहर कर दिया गया था तब से लिंजियासिया सबकी नौकर बन गई थी कंपनी में लगभग कोई भी उसे कुछ छोटी मोटी बातें करने का आदेश दे सकता था अच्छा लिन जियाक्सिया इसे करने के लिए अनिच्छुक थी लेकिन वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी हालांकि सुटोमनो इसे रोकना चाहती थी लेकिन वह अपने दोस्त की रक्षा नहीं कर सकी क्योंकि कंपनी के साथ उसका संपर्क अभी भी वैध था जब लगभग नौ बजकर तीस मिनट बजे थे काव्या और लेंग शाउटिंग फीटिंग एंटरटेनमेंट पहुंचे काव्या अकेले अंदर चली गई जबकि लेंग शोटिंग कार में इंतज़ार कर रही थी जब काव्या दरवाजे पर चली ही थी और सुतोमो को बुलाने ही वाली थी उसने देखा कि इमारत के सामने एक कार रुकी और जिया जीहोंग जो फीटेंग एंटरटेनमेंट की बॉस थी उसमें से निकली चेयरमैन जिया कृपया एक सेकंड रुकिए काव्या ने उसे बुलाया जिया जी जीहोंग ने मुड़कर देखा जब उसने किसी को पुकारते हुए सुना जब उनकी नजर काव्या पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए क्योंकि काव्या उनके साथ की अभिनेत्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी जिया जेहोंग कामुक थी इसलिए जब काव्या उसके पास गई तो उसने उसे घूरा काव्या उसके इस रूप से नाराज थी लेकिन कुछ नहीं बोली क्या मैं मदद कर सकता हूं मिस शिया झोंग ने पूछा लेकिन उसने कहा कि काव्या हर खूबसूरत युवा लड़की की तरह एक स्टार बनना चाहती है यदि ऐसा है तो जिया जीहोंग के पास आगे बढ़ने के बहुत मौके होंगे जिया जहोंग एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष थी वह मोटा और बदसूरत भी था इससे भी बुरी बात यह थी कि वह बहुत भद्दा था और उससे बात करना घिनौना था काव्या हल्के से मुस्कुराई मैं अध्यक्ष जिया के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ क्या अब आप खाली है बिल्कुल हम अपने कार्यालय में बात कर सकते हैं जिया जेहोंग काव्या का यौन उत्पीड़न करना चाहता था इसलिए उसने उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित किया हालांकि जिया जीहोंग ने काव्या को घृणा महसूस कराई लेकिन उसने उसके साथ कार्यालय में बात करना भी पसंद किया रास्ते में लोगों ने गपशप शुरू कर दी जब उनका चेयरमैन एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ आया कुछ को लगा कि काव्या उनके चेयरमैन के रिश्तेदार है तो कुछ ने अंदाजा लगाया कि वह कोई नई अभिनेत्री होंगी काव्या जिया जीहोंग के पीछे उसके ऑफिस तक गई जिया जीहोंग ने अपने सचिव को जाने के लिए कहा इसलिए केवल काव्या और वह कमरे में थे इस समय जिया जीहोंग काव्या को सोफे पर दबाने के लिए लगभग इंतजार नहीं कर सकता था क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं मिस आप मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हैं मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष जिया के लिए मेरा नाम जानना आवश्यक है काव्या ने व्यंग्य किया मैं आज यहां उन अनुबंधों को समाप्त करने के लिए आया हूँ जो सुतोमुओ और उनके सहायक लिंजियाओक्सिया ने आपके साथ किए हैं यह सुनकर जिया जेहोंग हैरान रह गई जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काव्या यहाँ सुतोमुओं की मदद करने के लिए है अचानक उसने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और उपहास भी किया तुम सुतोमो की मदद करना चाहती हो मुझे नहीं लगता कि यह संभव है दूसरे शब्दों में उसने मना कर दिया क्या होगा अगर मैं जोर दूं काव्या मुस्कुराई जब तक वे परिसमापन हर जाना वहन कर सकते हैं कंपनी उन्हें रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है अन्यथा यह अवैध है और मुझे लगता है कि अध्यक्ष जिया को यह पता होना चाहिए जिया जीहोंग निश्चित रूप से यह जानता था लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया इसके बजाय उन्होंने स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहा युवा लड़की इतनी भोली मत बनो सुटोगनो ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है और कोई भी वकील इस मामले को लेने की हिम्मत नहीं करेगा काव्या ने उसके रवैये पर कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन पूछा क्या आप निश्चित हैं यह नामुमकिन है हालांकि अगर आप एक स्टार बनना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं जिया जीहोम ने फिर से काव्या पर निशाना साधा काव्या ने कहा ठीक है आप इसे पहले क्यों नहीं पढ़ लेते और दूसरा विचार क्यों नहीं करते काव्या ने कहा और अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला फिर उसे जिया जीहोंग के सामने रख दिया शिया जिहोम ने जिज्ञासा के साथ इसे उठाया लेकिन जब उसने इसे पढ़ा तो घबरा गया तुम जिया जीहोंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था दस्तावेज जिया जिहोंग के अपराधों का सबूत था जिसमें बलात्कार और रिश्वतखोरी शामिल थे अगर जिया होंगजी द्वारा जिन महिलाओं का बलात्कार किया गया था उन्होंने उस पर मुकदमा नहीं किया तो मामले कायम नहीं रहेंगे लेकिन रिश्वतखोरी का अपराध ही उन्हें सालों तक जेल भेज सकता है दस्तावेज पढ़ने के बाद जिया जीहोंग डर से कांप गया काव्या ने एक नकली मुस्कान पहनी और उससे फिर पूछा अच्छा क्या आपको लगता है कि अब अनुबंधों को समाप्त करना संभव है ठीक है हम हम कर सकते हैं लेकिन यह दस्तावेज़ जिया जीहोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझौता किया क्योंकि आख़िरी चीज जो वह करना चाहता था वह अपना शेष जीवन जेल में बिताना चाहता था जब तक आप उन्हें जाने देने के लिए सहमत है मैं दिखावा कर सकता हूं कि यह दस्तावेज कभी अस्तित्व में नहीं था हालांकि अगर आप फिर से ये अपराध करते हैं तो मैं वादा नहीं कर सकती कि क्या होगा काव्या ने कहा हालांकि जिया जिहोंग अपराधों का दोषी था लेकिन काव्या इस बार सु के लिए उसे नज़रअंदाज कर देगी वाह वाह जिया जीहोंग तुरंत सहमत हो गया उसने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और सुटोंगनुओं और लिन लिंज्याओक्सिया के साथ अनुबंध समाप्त करने का आदेश दिया यह सुनकर उनके सचिव चौंक गए क्योंकि यह उस प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर देगा जिसके साथ इस उद्योग में कोई भी बुरा खून नहीं चाहता था यद्यपि उसका सचिव जिज्ञासु था वह जानता था कि उसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए काव्या ने सुटोंगनुओं को एक संदेश भेजा था और उससे कहा था कि वह उसकी खबर का इंतज़ार करे सुटोमनो ने काव्या की काबिलियत पर भरोसा किया लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए वह अभी भी घबराई हुई थी जिया जीहोंग के सचिव ने उन्हें जिया जीहोंग के कार्यालय जाने के लिए कहा सुतोमनो को आखिरकार राहत मिली टोमनो चेयरमैन हमें अपने कार्यालय में क्यों देखना चाहते हैं लिन जियोक्सिया को नहीं पता था कि सुतोंगनो कंपनी छोड़ने जा रही है इसलिए वह चिंतित थी क्या वह आपको फिर से घृणित कार्य करने के लिए मजबूर करने जा रहा है यह सोचकर लिन जियाक्सिया पागल हो गई थी सुतोमनो हल्के से मुस्कुराई शॉक्सिया क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इस कंपनी को छोड़ने जा रहा हूं तो आप मेरे साथ चलेंगे हाँ जियाक्सिया ने कहा लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाई कि उनका अध्यक्ष उन्हें अपने कार्यालय में क्यों देखना चाहता था चल दर आप जल्द ही पता लगा लेंगे सुतोमनो ने सीधे लिन जियाक्सिया को नहीं बताया लेकिन उसे खींच लिया जल्दी से अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी जब लिन जियाक्सिया को पता चला कि वे कंपनी छोड़ सकते हैं तो वह रोमांचित हो गई हालांकि वह किसी भी समय अपनी नौकरी छोड़ सकती थी लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं था कि वह सुटोमुओं के साथ जा सकती थी जिया जीहोम ने हर जाने के लिए पूछने की हिम्मत भी नहीं की और चूंकि उसने इसका उल्लेख नहीं किया काव्या उसे भुगतान करने की जहमत नहीं उठाएगी उसके बाद सुतोमनो और लिन लिंजिया अपने कार्यालय वापस गए और अपना सामान पैक किया उनके आसपास के सभी लोग हैरान रह गए आप क्या कर रहे हैं किसी ने पूछा इस जगह को छोड़कर सुटोमनो ने खुशी से कहा क्या टेंग एंटरटेनमेंट छोड़ रहे हैं आपने अपना अनुबंध समाप्त कर दिया हर कोई हैरान रह गया सुटोमनो और लिंज्याओक्सिया ने अपना सामान पैक किया और सीधे नीचे चले गए काव्या सामने के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी चौंकाने वाली खबर है कि सुटोमनो ने फीटिंग एंटरटेनमेंट के साथ अपने अनुबंध को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और कंपनी में जल्दी ही विदेश चली गई यह सर्वविदित था कि सुटोमनो ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया था कि उनके अध्यक्ष ने परेशान करने की हिम्मत नहीं की यदि सु अपने अनुबंध को समाप्त करने में सक्षम थी तो या तो प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे माफ कर दिया या उसे किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था खबर सुनते ही लीजेआए ने एक कप फर्श पर पटक दिया उसने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सुतोंगनो प्रसिद्ध होने जा रही थी और उसने सुतोंगनो से अधिक सफल होने का मन बना लिया हालांकि सुटोंगनों ने फेटिंग के साथ अपना अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिया था काव्या के पास अभी भी उसके साथ चर्चा करने के लिए कुछ था इसलिए काव्या ने लिन्ज्योक्सिया को उनके सामने जाने के लिए कहा जबकि सुतोंगनों और काव्या पास के एक कैफ़े में चले गए लिंग शोटिंग अभी भी कार में काव्या का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था काव्या ने ठेका निकाला और सुतोंगनों को दे दिया यहाँ अनुबंध है यदि कोई समस्या नहीं है तो आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं सुटोमनो ने अनुबंध को पूरा पढ़ा और जब उसने कंपनी के टेक और उसके टेक के अनुपात पर ध्यान दिया तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई यह छह से चार था जिसका मतलब था कि कंपनी साठ परसेंट लेगी जबकि उसे चालीस परसेंट लाभ हो सकता था आमतौर पर अनुपात आठ से दो था यदि अभिनेता सूची में थे तो अनुपात सात से तीन होगा और छह से चार को देखना दुर्लभ था जब तक कि अभिनेता एक घरेलू नाम न हो बॉस क्या आप निश्चित हैं सुटोमनो ने अनिश्चितता से पूछा काव्या मुस्कुराई हाँ मुझे यकीन है यह तो बस शुरुआत है यदि आप एसूची में से एक बन सकते हैं तो अनुपात पांच से पांच होगा करी मेहंत सुटोंगनो को फिर से झटका लगा अगर वह एलिस्ट एक्ट्रेस बन पाती तो उन्हें पचास परसेंट प्रॉफिट हो सकता था उसका नया बॉस वास्तव में उदार था झटके के बाद सुटोंगनो पड़ती रही कंपनी उसके लिए सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट उपलब्ध कराएगी और उपयोगिताओं का भुगतान करेगी यदि उसके पास अपना घर होता तो कंपनी उसे आवास भत्ते के रूप में मासिक तीन हजार युवान देती और उपयोगिताओं के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करती हालांकि सुटोंगनो को एक साल के लिए मनोरंजन उद्योग से बाहर कर दिया गया था लेकिन वह पहले प्रसिद्ध थी और उसने बहुत पैसा भी कमाया था इसलिए उसका अपना घर था उस स्थिति में उसने तीन हजार युवाओं का आवास भत्ता लेने का विकल्प चुना अनुबंध के अंत में सुटोंगनो ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए कंपनी की इमारत अभी भी पुनर्वितरित की जा रही है इसलिए हम अभी के लिए एक स्टूडियो किराए पर ले रहे हैं लेटर फेस्टिवल के बाद हम एक टीवी सीरीज की शूटिंग करने जा रहे हैं हालांकि अब आप मेरे लिए काम करते हैं मैंने निर्देशक से वादा किया है कि वह अपने दम पर अभिनेताओं का चयन कर सकता है इसलिए मुझे नहीं पता कि आप प्रमुख अभिनेत्री हो सकती हैं या नहीं लेकिन इसके लिए आपका एक ऑडिशन होगा और चूंकि आप पहले ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं निश्चित रूप से आपको मशहूर होने में मदद करूंगा यदि आपको प्रमुख भूमिका नहीं मिल सकती है तो मैं आपको कम से कम शो में कुछ पंक्तियों वाली भूमिका निभाने दे सकता हूँ चिंता मत करो आपके पास भविष्य में बहुत मौके होंगे ओह हमारी कंपनी एकदम नई है इसलिए कोई प्रसिद्ध अभिनेता अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और हम कई नए अभिनेताओं को इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे या दुखी महसूस नहीं करेंगे काव्या ने कहा मैं नहीं करूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुटोगनो को परवाह नहीं थी कि वह शो में केवल कई पंक्तियों वाली भूमिका हो सकती है या नहीं जब तक वह फिर से दिख सकती थी वह काफी खुश थी साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करेगी बहुत ठीक है मैं आपको विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में बाद में सूचित करूंगा आप अब जा सकते हैं उसके बाद काव्या और सुतोमो अलग हो गए सुबह के लगभग ग्यारह बज रहे थे इसलिए काव्या और लेंग शोटिंग पहले लंच करने चले गए दोपहर के भोजन के बाद काव्या ने दोपहर दो, दो बजे के आसपास कोलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाने से पहले कुछ देर आराम किया प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से तैयार थी और काव्या ने पावर क्रिस्टल की एक बोतल ली बोतल में एक सौ क्रिस्टल थे और प्रत्येक मोती के आकार का था और हीरे की तरह चमक रहा था बाद में परीक्षण के लिए एक पावर क्रिस्टल निकाला गया जैसा कि परिणाम से पता चला इसमें बिल्कुल भी रसायन नहीं था जिसने कारखाने में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया यहां तक कि पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते थे लेकिन पावर क्रिस्टल कुछ ऐसा था जो कभी अस्तित्व में भी नहीं था चूंकि पावर क्रिस्टल में कोई हानिकारक रसायन नहीं थे इसलिए दवा में इसका इस्तेमाल सुरक्षित था इसके बाद मेडिकल फैक्ट्री के मजदूरों ने मशीनों की मदद से दवाइयां बनाना शुरू किया पहली तरह की ठंडी दवा थी मूल सामग्री एसिटामिनोफिन अमेंटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड कैफीन कृत्रिम बेजार क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और अब जोड़े गए पावर क्रिस्टल थे बेशक वे रचना तालिका पर पावर क्रिस्टल का उल्लेख नहीं करेंगे मूल सामग्री के लिए पावर क्रिस्टल का अनुपात एक से दस था यदि मूल सामग्री का वजन एक किलोग्राम था तो पावर क्रिस्टल सौ ग्राम होगा घंटों बाद सर्दी की दवा तैयार हो गई दूसरे परीक्षण के बाद इसने अपने पुराने परीक्षण से कुछ अलग नहीं दिखाया लेकिन इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था एक कार्यकर्ता जिसे संयोग से जुकाम था वह मानव गिनी पिग होगा चूंकि वे पहले ही दो बार इसका परीक्षण कर चुके थे इसलिए यह हानिकारक नहीं होगा इसलिए कार्यकर्ता सहमत हो गया एक बार जब गोली उसके मुंह में थी तो उसे अपने शरीर में एक आरामदायक ठंडक फैलती हुई महसूस हुई तीन मिनट के भीतर वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा था इस सर्दी की दवा में पावो क्रिस्टल का अनुपात ज्यादा नहीं था इसलिए वह इतनी जल्दी ठीक तो नहीं होता लेकिन उसका असर पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था मेकअप उत्पादन के लिए काव्या ने मास्क क्रीम लोशन सीरम इत्यादि का उत्पादन करने का फैसला किया और यह अनुपात दो से दस होगा काव्या ने थोड़ी देर बाद लिंग चांगकाई से बात की और उसे जल्द से जल्द स्टोर और सजावट से निपटने के लिए कहा बाद में काव्या और लेंग शोटिंग चले गए जब वे चले गए तो शाम के लगभग पाँच बज रहे थे इसलिए काव्या ने काऊ विनक्सिन को बुलाया और उन्हें एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया काव्या पूरे दिन व्यस्त रही थी और लेंग शाउटिंग के पास उसके साथ अकेले रहने के लिए ज्यादा समय नहीं था लेकिन अब काओ वेनकसिन फिर से उनके साथ जुड़ जाएगा लेंग शोटिंग थोड़ा नाखुश था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा काव्या भी समझ गई थी कि लेंग शोटिंग उसके साथ अकेले रहना पसंद करेगी लेकिन वह काओ वेनक को होटल में नहीं छोड़ सकती थी टैंग यूनफॉन दो दिनों के लिए सिटी डी में था और उस विश्वविद्यालय का भी दौरा किया था जहां गुमान ने पढ़ाई की थी साथ ही उस जगह का भी दौरा किया था जहां उसकी दुर्घटना हुई थी लेकिन वह अभी भी कुछ भी याद करने में असफल रहा टैंग युनफा ने लगभग अपना धैर्य खो दिया कुछ सुराग खोजने के लिए टैंग युनफा ने सिटी एफ के लिए उड़ान भरी और उस शॉपिंग मॉल में गया जहाँ के ब्यूटी सैलून था उसने मास्क पहन लिया और गुम्मैन की एक झलक पाने की कोशिश करते हुए एक कोने में छिप गया शाम करीब पांच बजे गुमान भी काम पर चली गई गुकविंग आज अनुपस्थित थी इसलिए वह अकेली घर चली गई नए साल के त्योहार के बाद यह गर्म हो रहा था और यह धूप का दिन था गुमान ने एक गहरे भूरे रंग का ऊनी कोट पहना हुआ था और हल्का मेकअप किया हुआ था और उसके बाल लापरवाही से बंधे हुए थे और वह बहुत ही सुंदर और भली लग रही थी जब एक कोने में छिपे तांग यूनफान ने गुमान को सैलून से बाहर आते देखा तो वह दंग रह गया और उसने फिर से अजीब अंतरंगता महसूस की हालांकि उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था गुमान ने ड्राइव नहीं की और गाओ यी और क्याओं या उसके साथ नहीं थे इसलिए उसने एक टैक्सी घर ले ली टांग यूनफा ने फिर एक कार चलाई और उसका पीछा करते हुए फेंगुआ लग्जरी मेंशन तक गया गुमान पास के एक सुपरमार्केट में किराने की खरीदारी करने जा रही थी इसलिए वह फेंघुआ लग्जरी मेंशन के बाहर निकली तीन बदमाश घूम रहे थे और जब गुमान उनकी नजरों में आई तो उन्हें उसे लूटने का विचार आया उन्होंने एक दूसरे को जानने वाली नजरें दी फिर गुमान के पास चले गए अचानक उनमें से एक ने गुमान का हैंडबैग पकड़ लिया और भाग गया गुमान बहुत डर गई और चिल्लाई एक डाकू गुमान उसका पीछा करना चाहती थी लेकिन उसे चोट लगने का डर था टैंग यूनफान पूरे रास्ते गुमान का पीछा कर रहा था इसलिए उसने तुरंत चोर का पीछा किया हालांकि टैंग यूनफान की उम्र हो गई थी फिर भी वह विशेष बलों के एक सैनिक की तरह दौड़ने और लड़ने में सक्षम था मिनटों के भीतर उसने तीन गुंडों को मार गिराया और गुमान का हैंडबैग वापस ले लिया हालांकि जब टाइम यूनफान अपने हाथ में अपना हैंडबैग लेकर गुमान के पास गया तो उसे उसकी आंखों में देखने में थोड़ी शर्म महसूस हुई बहुत बहुत धन्यवाद सर गुमान ने ईमानदारी से कहा टांग यूनफान ने धीमी आवाज में कहा आपका स्वागत है सर अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ मैं आपके बहादुर और दयालु व्यवहार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ गुमान ने कहा हालांकि वे केवल अजन भी थे उसने उसकी मदद की थी इसलिए वह आभारी थी कोई जरूरत नहीं है अलविदा टैंक युनफान ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसका चेहरा देखे उसके बाद वह फेंगुआ लग्जरी मेंशन के सेल्स हॉल की ओर चल पड़ा टैग युनफान ने यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बनाई विशेष रूप से वह जो गुमान के घर के पास था टैंग युनफान को अपने से दूर जाते देख गुमान को अचानक लगा कि वह परिचित है लेकिन उसने आगे नहीं सोचा और सुपरमार्केट चली गई चैन यूनफान भाग्यशाली था और उसने गुमान के घर के ठीक सामने एक अच्छी तरह से सजाया हुआ अपार्टमेंट खरीदा दूसरे शब्दों में वह गुमान के अपार्टमेंट के लिविंग रूम में देखने में सक्षम था काव्या और काओ वेनक्सिन दोनों अगले दिन राजधानी छोड़ रहे थे और वे एक साथ हवाई अड्डे जाएंगे काव्या की फ़्लाइट दोपहर एक बजकर पचास मिनट बजे उड़ान भरेगी जबकि काओ वेनक्सिन की फ़्लाइट एक बजकर पैंतीस मिनट बजे थी इसलिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले वे एक साथ लंच करेंगे काउं वेनसिन ने काव्या से कहा निंगिंग मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने सुटोमो के लिए जो किया उसके लिए तुम्हें धन्यवाद दूं। और और एजिन्यू करीबी एजिन्यू करीबी दोस्त थे जबकि काउंक्स भी करीबी दोस्त थे इसलिए काउं वेन एजिन्यू की खातिर काव्या को धन्यवाद देना पसंद करेंगे कोई बड़ी बात नहीं सुटोमो वह व्यक्ति है जिसे मैं भी साइन करना चाहती थी काव्या ने कहा किराने की खरीदारी के बाद बुमान घर वापस चली गई और अपने लिए खाना बनाया विपरीत अपार्टमेंट में टैंग यूनफान कभी कभी गुमैन को लिविंग रूम से गुजरते हुए देख सकता था रात में गुमान लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी गुकिंग उसके साथ कुछ देर बात करने आया और फिर चला गया गुमान फिर से अकेली थी यह देखकर कि गुमान अकेली थी और अकेली लग रही थी टांग यूनफान को असहज महसूस हुआ और उसके लिए उसका दिल पसीज गया वह उसका साथ रखना चाहता था लेकिन उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था उस रात काव्या मुश्किल से सो पाई क्योंकि लेंग शोटिंग उसे सोने नहीं दे रहा था काव्या कल जा रही थी और लेंग शोटिंग को नहीं पता था कि वे फिर कब मिलेंगे इसलिए उसने बेहाशा उससे अनगिनत बार प्यार किया निंगिंग मुझे बताओ मैं अच्छा हूँ हर पुरुष चाहता है कि उसकी यौन क्षमता की तारीफ की जाए बेशक तुम हो काव्या को स्वीकार करना पड़ा कि लेंग शोटिंग बिस्तर में काफी अच्छी थी लेकिन वह इस समय शायद ही बर्दाश्त कर सकती थी क्योंकि काव्या के सकारात्मक जवाब के साथ लेंग शोटिंग और सख्त हो गई थी मैं नहीं कर सकता मैं इसे अब और नहीं ले सकता काव्या ने उसे रोकना चाहा पर वह नहीं रुका और काव्या ऐसी स्थिति में खुद को बचाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि भले ही यह भारी था फिर भी वह इसे महसूस करना चाहती थी निंगिंग आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार है लेंग शूटिंग बंद नहीं हुई क्योंकि वो आने वाला था और काव्या को अपने शरीर में रगड़ना चाहता था शूटिंग आई लव यू टू मैं भी वास्तव में तुमसे प्यार करता हूं काव्या के मीठे शब्दों ने लेंग शोटिंग को और हिंसक बना दिया काव्या के लिए यह आनंद लेने के लिए थोड़ा बहुत हिंसक था लेकिन उसके पास अभी भी एक अच्छा संभोग सुख था अगले दिन गुमान और गुकिंग सुबह करीब आठ बजकर तीस मिनट बजे अपने घर से निकल गए जियांगजू अपने स्टोर जाने से पहले उन्हें शॉपिंग मॉल ले गया जियांगजू का निर्माण सामग्री स्टोर धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था विशेष रूप से काव्या की पहचान उजागर होने के बाद काव्या के परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कई व्यवसायी सहयोग के लिए जियांगजू की ओर रुख करेंगे इसलिए जियांगजू अब बहुत व्यस्त था जब से गुकिंग और गुमान ने फेंग लग्जरी मेंशन छोड़ा तांग युनफान ने उनका पीछा किया लेंग शोटिंग काव्या के लिए नाश्ता बनाने के लिए हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गए हालांकि काव्या इतनी थकी हुई थी कि वह सुबह नौ बजे तक नहीं उठी नाश्ते के बाद लेंग शाउटिंग ने उसे अपनी बाहों में दबा लिया और उन्होंने फिर से सेक्स किया जब लगभग दस बजे थे वे हुआंगडेंग होटल के लिए रवाना हुए बुकिंग और गुमान एक साथ भोजन करने के लिए पास के एक रेस्तरा में गए अप्रत्याशित रूप से गुकिंज्यांग अचानक आ गया और गुकिंग और गुमान से पैसे उधार लेने आया किंग यार मुझे पता है कि मैंने कई गलत काम किए हैं लेकिन जो हो गया सो हो गया हम जैविक भाई बहन हैं। क्या आप इस बार मदद नहीं कर सकते गुकिंज्यांग ने कहा यह पहली बार था जब वह गुकविंग और गुमान के प्रति इतना विनम्र था जैविक भाई बहन गुकंज्यांग पूरी तरह से बेशर्म था जब वे छोटे थे तब से न केवल उसने उन्हें धमकाया था बल्कि जब काव्याकार दुर्घटना में थी और किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती थी तब उसने उन्हें पैसे उधार देने से भी मना कर दिया था और अब उसने उनसे पैसे उधार लेने की कोशिश करते समय अचानक परिवार कार खेला गुकिंग और गोमान शांत और ठंडे रहे नहीं हम आपकी मदद नहीं कर सकते कृपया हमसे दूर रहें गोमान ने कहा कैसे कैसे आप इतने ठंडे खून वाले हो सकते हैं हालांकि यह पहली बार नहीं था जब गुकिंजियांग को अस्वीकार कर दिया गया था वह स्वीकार नहीं कर सका यहां वे ठंडे खून वाले थे गुकिंग ने तुरंत पलटवार किया जब निंगिंग उस कार दुर्घटना में था तो हम आपसे सिर्फ दस हजार युवान उधार लेने गए थे लेकिन आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया निंगिंग की मृत्यु हो सकती थी क्या आपको लगता है कि अब आप हमसे करोड़ों युआन उधार ले सकते हैं हालांकि उन्हें पैसे उधार देना गुकिंज्यांग का कर्तव्य नहीं था लेकिन वह अमीर था और काव्या की जान खतरे में थी हालांकि उसने फिर भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया वह बहुत स्वार्थी था गुकविंग और गुमान ना तो गूंगे थे ना ही वे कमज़ोर थे यह काफी समझ में आता था कि गुमान उसे पैसे उधार देने को तैयार नहीं थी टैन यूनफान उनके बगल वाली मेज पर बैठा था इसलिए उसने उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना वह बहुत पागल था कि निंगिंग के जैविक चाचा इतने स्वार्थी और बेशर्म आदमी थे निंगिंग अब ठीक है बड़ी बात क्या है गुक इंडियान ने तर दिया उन्होंने बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं किया इस बार गुकिंग और गुमान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे आप इसे कैसे कहेंगे गुकविंग ने गुस्से में उसकी आलोचना की हम आपको कोई पैसा उधार नहीं देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो गुमान ने ठंडेपन से कहा यदि आप पैसा चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी बेच सकते हैं अतीत में हम एक साल में दर्जनों हजार युवाओं पर अपना जीवन जीने में सक्षम थे और आप भी जीवित रह सकते हैं गुमैन क्या आप कह रहे हैं कि हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते गुकिंजियाम ने गुमान पर निशाना साधा उसकी आंखों में गुमान उसे एक गरीब जीवन जीते हुए देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी मुझे परवाह नहीं है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं आप अच्छा जीवन जिए या न जिए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अगर तुमने हमें फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो हम पुलिस को बुला लेंगे गुमान ने बर्फीले ढंग से कहा तुम गुकिंज्यांग गुस्से में थे लेकिन कुछ नहीं कह सके वह इतना स्वार्थी था कि अपनी गलतियों के लिए कभी खुद को दोष नहीं देता था आह वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है मैं इतना पागल हूं कि मेरा इतना बेकार बड़ा भाई है गुकिंग ने कहा वहाँ वहां ऐसे आदमी से परेशान होने लायक नहीं है गु मान ने उसे दिलासा दिया काव्या और काउ वेनक करीब बारह बजे एक साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए रास्ते में लेंग शोटिंग चुप रहा क्योंकि वह काव्या को छोड़ना नहीं चाहता था काव्या की भी यही भावना थी लेकिन उन्हें अपना कारोबार खुद ही निपटाना था जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचे लेंग शाउटिंग ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक काव्या लाउंज में नहीं गई और उनकी नजरों से ओझल हो गई काव्या और काओ वेनक्सिन के गेट एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे इसलिए काव्या काओ वेनक्सिन के साथ बैठने चली गई जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे इस समय शिनबे ऊपर चला गया वे सभी फिर से एक दूसरे को देखकर चौंक गए हाय काव्या क्या तुम भी सिटी बी जा रही हो शिनबे ने काव्या से पूछा और काओ वेनक्सिन को नजरअंदाज कर दिया काओ वेनक्सिन ने भी उससे आंखें फेर ली